नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रताप स्वागत करता हूं आपके एसएससी गधा पे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल टायर 1 2018 का एग्जाम 4 जून से शेड्यूल्ड है और आपने उसकी अच्छी तैयारी कर रखी होगी। अभी आपके पास एक हफ्ते के अराउंड समय है, तो इस एक हफ्ते में आप कौन सी उन चीजों को ध्यान अगर दें तो आपके स्कोर एक एक दो दो नंबर सारे सेक्शन में बढ़ सकते हैं, आज उस पर बात करूंगा मैं। ठीक, तो हम सेक्शन वाइज बात करेंगे। आपके पास 4 सेक्शन हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। ठीक, तो सबसे पहले इंग्लिश पे बात करूंगा मैं। वैसे तो जो इंग्लिश आपका है वो एक लंबा समय मांगता है आपसे, वो चाहता है आपसे कम से कम 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, इतना समय अगर उसको अच्छे से दिया जाए तो एक अच्छी तैयारी हो सकती है। वो चाहता है कि आप द हिंदू रेगुलर रीड करते हो, मिरर ऑफ कॉमन एरर जैसी किताबें कर रखी हो आपने, अच्छे से वोकैबुलरी याद कर रखा, तो ये सारा कुछ तो आपने कर ही रखा होगा। अभी आप वो क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपना कुछ स्कोर बढ़ा सके उसमें। ठीक, तो देखिए, इंग्लिश में एक एरिया है स्पॉटिंग द एरर का। अगर आपने स्पॉटिंग द एरर की अच्छी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस तो कर रखी होगी, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे एरिया है कि अगर रिविजन हम एक डेढ़ दो महीने ना करें तो हम कुछ कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से भूलने लगते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं हमसे रेगुलर प्रैक्टिस। तो अभी एग्जाम का टाइम आने वाला है तो मैं आपसे आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आप लोग। ठीक है, मतलब एक बार थॉरली रिवाइज कर लें अपने। देखिए, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स ना रिवाइज करें आप क्वेश्चंस उठाएं उसको करें, सही हो रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देखें, आपने ऑलरेडी जहां से करा होगा उसी को देखना है आपको, तो एक बार देखें कि अरे ये चीज, अरे यार ये मैं भूल गया था। तो ये चीज अब आपके दिमाग में इस टाइम जब याद हो जाएगी ना तो ये आपके अगले 10-15 दिन तक परमानेंटली आपके दिमाग में फिक्स रहेगी, ये अब नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को, मतलब जो स्पॉटिंग एरर आपने अच्छे से कर लिया तो यहां से आप एक दो नंबर मतलब एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो आप दो नंबर बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये एक एरिया है जिसको लास्ट टाइम रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका एक एरिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक है, तो आपका अगर एक भी एक्स्ट्रा सही हो जाता है तो दो नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो ये होता है ना, हमें कहीं से भी नंबर मतलब बढ़ाने हैं। ठीक है, पर तो हमने सब कुछ रखा है लेकिन एक एक चीज को देखते हुए वहां से नंबर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक काम कर लीजिए आप लोग, लास्ट टाइम में एक स्पॉटिंग एरर आपने रिवाइज कर लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लें आप, फिर एंटोनिम सिनोनिम कर लें। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम को काफी अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि अगर वही फिर से वही बात है कि अगर एक भी सही होता है तो आपको दो नंबर एक्स्ट्रा देगा, एक भी एक्स्ट्रा सही होता है तो। ठीक है, इसलिए इसको रिवाइज करना लास्ट टाइम बहुत जरूरी, इन तीनों चीजों को रिवाइज करना जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कि आप वो क्लोज टेस्ट वगैरह रिवाइज करें, फिल इन द ब्लैंक्स, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि वो हमारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जो हमने पिछले 10-12 महीने मेहनत की है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इतना मतलब एटलीस्ट ये तीन चीजें आप इंग्लिश में रिवाइज कर लें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जीएस की। और तो जीएस में देखिए, जो पेपर देखा गया है सीपीओ का, वो ट्रेडिशनल जो पहले पेपर हुआ करते थे उससे थोड़ा सा अलग रहा, उसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी रहे। तो करंट अफेयर्स आपने अगर रिवाइज नहीं किया है तो भी एटलीस्ट जो मेजर इवेंट्स रहे हैं पिछले 6 महीने के मेजर इवेंट्स, ठीक है, उनको कम से कम आप याद कर लें, रिवाइज कर लें अच्छे से। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम हमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे पिछले 6 महीने वो तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपने पीछे मतलब उसकी प्रैक्टिस, आपने पूरे नोट्स वगैरह बना रखे हैं, कर रखा है किसी बुक से, तो एक बार अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें थॉरली, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं और एक क्वेश्चन से आप मतलब लिस्ट से बाहर हो सकते हैं और लिस्ट में एंटर हो सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपने जहां से भी पॉलिटी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, जो भी अगर आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं तो उसका रिविजन बहुत जरूरी है इस समय। ठीक है, तो उसको रिवाइज कर लें, खटाखट सारी चीजें रिवाइज करते जाएं। हाँ, एक चीज सजेस्ट करूंगा मैं आपको, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है आपका, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग है, चाहे जीएस है, कोई भी जो एरिया अनटच्ड रह गया हो आपसे, आपने उसकी अब तक प्रैक्टिस ना की हो या अब तक उसको याद नहीं किया है, उसको इस समय करने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि वो आपके जो आपने जितनी तैयारी की है उसको भी खराब कर सकती है। ठीक है, तो कोई भी नई चीज आपको नहीं करनी है, सिर्फ रिविजन करना है। ठीक है, तो जीएस में एक तो आपको करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है और दूसरा जितना भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लीजिए। अब मान लीजिए कि मैंने ज्योग्राफी अभी तक नहीं पढ़ा, तो अब इस टाइम लास्ट टाइम में मुझे ज्योग्राफी पढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक, ये होगी बात जीएस की।
इसके बाद आते हैं हम आपके रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में मैं आपसे ये कहूंगा कि इस समय किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो करने के बजाय अच्छा ये होगा कि आप 50-50 क्वेश्चंस के सेट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आप कर डालें, जो जब 50-50 क्वेश्चंस के हुआ करते थे। तो अगर डेली आप मतलब 50-50 क्वेश्चंस कर देंगे तो हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर जैसे मान लीजिए एक पासा वाला क्वेश्चंस आता है जिस पे लिखा होता है कि 3, 4, 5 किधर जाएगा, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस हैं, या फिगर जब चेंज मतलब मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, तो अगर ऐसे किसी एक टाइप के क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम है तो उसको तो आप देख लें इस समय, जरूरी है। हाँ, एक चीज और, एग्जाम हॉल में या जब आप अपने ये मॉक्स लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उन क्वेश्चंस को आपको स्पॉट करने की प्रैक्टिस कर लेनी है कि ये क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन लंबा होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको शुरू में नहीं करना है, इनको मार्क करके छोड़ देना है कि अगर समय मिलेगा तो लास्ट में आके करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। जैसे इसमें मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन आता है आपके इसमें रीजनिंग में, वो आपका काफी मतलब आप कर सकते हैं, हो सकता है जल्दी भी हो जाए लेकिन वो समय भी ले लेता है कभी कभी, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम रोक देते हैं, ठीक है, इसको हम लास्ट में करते हैं। ठीक, बात हो गई इंग्लिश रीजनिंग जीएस। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए भाई सबसे जरूरी जो चीज है एक ये है कि जितने भी फॉर्मूले आपके चैप्टर्स के हैं वो एक बार आप सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लें, ठीक है, सारे फॉर्मूले कहीं भी मतलब। अब तो मेरा मतलब ये है कि लास्ट टाइम में एक बार जब आप स्टार्ट करते हैं सुबह की पढ़ाई तो सारे फॉर्मूला एक बार फटाफट डेली बेसिस पे लिख डालें, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चंस करना है, जो भी करना है, आप टेस्ट देना चाहते हैं वो करें, ठीक है, मतलब फॉर्मूला एक बार हम सुबह लिख लेंगे। ठीक, नई चीज यहाँ पे भी हम कोई नहीं करेंगे, अब किसी चीज के लिए हमारे पास समय नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, जो चीज हमने कर रखी है, आपने क्वेश्चंस मार्क जो कर रखे होंगे, टफ क्वेश्चंस थे ये, उनको अगर आपके पास समय हो तो टाइम निकालिए उनके लिए और उनको दो दिन में, जितने आपकी बुक से मार्क्स अगर दो दिन में हो पाए, तीन दिन में हो पाए, मतलब आप कोशिश करें कम से कम दो अटेम्प्ट उन सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लें। दो से तीन बारी हो जाए तो बहुत बढ़िया, तीन बारी मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिनका एग्जाम लेट है थोड़ा वो इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको रखना है कि जो भी आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे हैं वो कर लीजिए, ठीक है। आप अपने एक तो फॉर्मूला याद कर ले, फॉर्मूला आप लिख लिख के मतलब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मेंसुरेशन की मैं बात करूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है अटेम्प्ट में कि आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो दे रहा है कौन का, ठीक है, लेकिन आप सिलेंडर का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, क्वेश्चन आपका आंसर मिलता नहीं है, और गलती से कभी कभी क्या होता है आंसर मिल भी जाता है और आप मार्क करके चले जाते हैं, आपके सीधे 2.5 नंबर चले जाते हैं, ठीक है। ये कब होता है, जब हमारे फॉर्मूले में मतलब हमारा याद तो है हमें, लेकिन उस प्रेशर में हमने पायर स्क्वायर एच बाई 3 की बजाय पायर स्क्वायर एच लगा दिया, या ये आपके साथ इसमें स्फीयर में हो सकता है जो गोला के क्वेश्चन होता है, या हेमिस्फीयर, ठीक, अर्धगोला, तो उनके क्वेश्चन में आप फॉर्मूला जो होता है बहुत क्लोज होता है, हम गलती कर सकते हैं उसमें, इसलिए हमें डेली बेसिस पे फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। टेबल आप लोगों को याद होगी, मुझे पूरा विश्वास है, 20 तक नहीं याद है तो भाई एसएससी के लिए ये मतलब आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक। फिर भी अगर टेबल आप कम से कम 12 से लेके 19 तक डेली इस टाइम लिखते रहें, सुबह उठिए 19 से 12 तक टेबल लिखिए, 12 से 19 तक नहीं, 19 से 12 तक टेबल लिखिए, ठीक है, आप अपने सारे फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद अपना आप जो भी आप करना चाहते हैं करें, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे मतलब आपकी तैयारी का, वो ये है कि डेली बेसिस पे आप कम से कम एक मॉक देते रहें, 1 से 2 मॉक, ठीक है, एटलीस्ट 1 मॉक अ डे, 1 से 2 मॉक डेली दें। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी तैयारी है, जो एग्जाम हॉल का एनवायरमेंट होता है, जो प्रेशर लेने हमारी वो होती है, उसकी आदत आपको पड़ी होगी 1 हफ्ते पहले से, ठीक है, और आप उसी इंटरफेस में दें जिस इंटरफेस में एग्जाम आता है, ठीक है, मतलब आप ऑफलाइन इस टाइम थोड़ा अवॉइड करें, ऑनलाइन टेस्ट ही दें, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कितने आ रहे हैं उसको देख के खुश या निराश नहीं होना है, बस हमारा ये है कि हम इंटरफेस से परिचित रहें, कैसे हमें पेपर करना है पहली चीज, दूसरा हम टाइम मैनेजमेंट थोड़ा वहां पे कर पाए, मार्किंग कैसे करते हैं, इसको हम बाद में करेंगे, उसको कैसे मार्क्स करते हैं, ये सारी चीजें आप कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेस्ट देना सबसे जरूरी चीज है इस पूरी आपके 1 हफ्ते की, जो सबसे जरूरी काम होना चाहिए वो टेस्ट देना होना चाहिए, 1 से 2 टेस्ट डेली। अगर 1 से 2 टेस्ट आप डेली देंगे तो आप देखेंगे कम से कम आप 3-4 नंबर ज्यादा लेके आएंगे, ये मैं गारंटीड आपको वो कर सकता हूं, ठीक, अदरवाइज जितने आते हैं, और जो लोग लंबे टाइम से टेस्ट देते आए हैं उनके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूं, धन्यवाद दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, धन्यवाद।